हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज जो नोटिफिकेशन कई दिनों से 64वीं बीपीएससी का एडमिट कार्ड कब आएगा उसके संबंध में आपको जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है 64वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा रविवार दिनांक 16/12 को एकल बैठक 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक 35 जिला मुख्यालयों में अवस्थित 808 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन विषय के वस्तुनिष्ठ प्रकृति के 150 प्रश्न रहेंगे। युक्त परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 28/11/2018 तक रहेंगे। तो वेबसाइट क्या है, www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसे डाउनलोड करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए युक्त आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 14/12/2018 निर्धारित की जाती है। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना ई प्रवेश पत्र 14/12 तक अवश्य डाउनलोड कर लें। अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे, वे यथाशक्ति ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करना प्रारंभ करें। मतलब दो चीज़ हो गया क्लियर कि एक तो आपको 28/11 से आपको एडमिट कार्ड निकलेगा, 14/12 तक आपको हर हाल में निकाल लेना है। अभ्यर्थियों को है जो कि डाक से पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। यह प्रवेश पत्र जो क्या रहेगा, ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा की गई प्रविष्टि एवं दी गई सूचना को सही मानकर जारी किया गया है, अतः यह प्रवेश क्या होगा, पूर्णतः औपबंधिक होगा। पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय साक्षात्कार के समय अंकित तथ्यों से संबंधित कागजातों की विधिवत जाँच पब्लिक सत्यापन के पश्चात किया जा सकेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई एडमिट कार्ड निर्गत होने से अभ्यर्थी की अर्हता संपुष्ट नहीं होती है। और क्या क्या है कि अगर आपने सूचना जो कि भिन्न अलग दिया है बाद में, तो रद्द किया जा सकता है और आगामी परीक्षाओं में भाग लेने पर भी अंकित हटाया जा सकता है। परीक्षा केंद्र में क्या क्या चीज़ नहीं ले जाना है, तो मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन, पेन, पेजर आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री अथवा अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण को ले जाना एवं उपयोग वर्जित है। इसकी अवहेलना करने पर अनुशासनिक / दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आगामी परीक्षाओं में भी रोका जा सकता है। तो क्या क्या और इंस्ट्रक्शन है, तो अभ्यर्थी हैं जो कि BPSC के वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर संबंधित परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के क्रम में उनको प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत एडमिट कार्ड के बॉक्स में उपलब्ध टैब पर क्लिक करते हुए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र लेटर पेज में साइज में ही प्रिंट करेंगे। अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र दो पृष्ठों में प्राप्त होगा, जिसमें प्रथम पृष्ठ पर अभ्यर्थी विशेष की परीक्षा विवरणी एवं दूसरे पृष्ठ पर परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश का दिया गया है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में वर्णित आवश्यक निर्देश है जो कि अक्षरशः पालन करेंगे। अगर कोई कठिनाई रहेगी तो 10 से 5 आप कार्यालय अवधि पर हेल्पलाइन नंबर कर सकते हैं, सोमवार से शुक्रवार राजपत्रित अवकाश को छोड़कर। फ़ोन नंबर क्या है, 0612221579 और मोबाइल नंबर है 9297739013। तो ये हो गए, मतलब क्या हो गया कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड है जो कि आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं है तो मोबाइल नंबर है या ईमेल चेक कर लें। अगर ईमेल भी नहीं है, अगर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो फिर आप BPSC में हेल्पलाइन में कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं भी अभी एक बार भुला गया था, तो मैंने भी BPSC को फ़ोन किया था, तो फिर दूसरा नंबर चेंज करने के लिए कहा था, और तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर है तो यूजर नेम पासवर्ड आप लोग खोज लें, क्योंकि कल से जो कि एडमिट कार्ड निकल, जहाँ तक BPSC प्री पास करने की है, तो इससे संबंधित 12 टिप्स मैंने दिए हैं, वो काफ़ी उपयोगी, आप लोग उसको
देख लें और अभी से प्रैक्टिस करेंट अफेयर्स और बिहार से स्वतंत्रता संग्राम से ज़रूर पढ़ लें और आधुनिक बिहार से तीन चीज़ पढ़ेंगे तो आपके रिजल्ट होने की काफ़ी संभावना रहेगी। और बीपीएससी से संबंधित मटेरियल मैं मेरे वीडियो में भी कई सारे मिलेंगे, करेंट अफेयर्स भी देख लें। करेंट अफेयर्स जहाँ तक कई बार बताया भी कि जून 2018 से देख लें, लेकिन निश्चित रूप से अगर नहीं देखना है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे और 30 आपको करेंट अफेयर्स रहेंगे। तो कौन विषय में कितने पूछे जाएंगे पहले भी वीडियो डाला उसको भी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और जो विशेष है कि बिहार के मानचित्र का जरूर आप माइंड में रखें, अगर आप रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो ये और एक चीज़ निगेटिव जो है ये बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इधर निगेटिव है तो बड़ा थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि फॉर्म भर दिया, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि निगेटिव है या नहीं है, लेकिन ये निगेटिव नहीं है। तो ये हो गए और आप लोग है जो कि कल से एडमिट कार्ड निकालें और सेंटर देख लें और सेंटर पर कोशिश करें कि एक दिन पहले पहुंच जाएं या सवेरे जाएं कि आराम से 10 बजे तक या 9 बजे तक पहुंच जाएं, या एक दिन पहले होटल में कोशिश करें या नहीं विशेष अवस्था में ही रात्रि यात्रा करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी आप अच्छी नींद लेंगे उतनी अच्छी परीक्षाएँ जाएगी और कम से कम 2 या 4 नंबर एक्स्ट्रा ज़रूर बढ़ेंगे अगर आप फ्रेश रहेंगे तो। और मैथ का जहाँ सवाल है तो मैथ पहले इंटर लेवल का भी कुछ पूछता था, लेकिन इस बार जो पूछा है सिर्फ अंक गणित के पूछा गया था, तो थोड़ा सा मैथ लूज करके और जीके को कठिन बनाया जा रहा, कन्फ्यूज करके। आप 5 ऑप्शन के जहाँ तक चक्कर है तो उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि वो धोखा देने वाला था। अगर आप ई ऑप्शन के ज़्यादा चक्कर में रहेंगे तो ढेर सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद।